एसकेएम 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। खबर है बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत, जहां पर बेटी को मायके ले जाने आए लोगों पर ससुराल वालों ने किया हमला। तफसीलात के मुताबिक खबर है बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत शाहीन नगर हबीब कॉलोनी में रहने वाली 3 महीने की दुल्हन पर ससुराल वालों ने किया जुल्म और जहेज के मसले को लेकर बच्ची को मायके वालों से मिलने और फ़ोन पर बात करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन आज जब बच्ची के घर वाले बच्ची को मायके ले जाने के लिए आए, तब ससुराल वालों ने बच्ची को घर वालों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान बहस और तकरार शुरू हो गई और ससुराल की जानिब से 40 से 50 लोगों ने मिलकर बच्ची के घर वालों पर लाठियों और हाथों से हमला कर दिया, जिसके बाद मुतासरा लोगों ने इस वाकये की शिकायत बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। मुतासरा लड़की की वालिदा का कहना है कि शादी के दूसरे दिन से ही इनकी बेटी को जहेज के लिए ससुराल वालों की जानिब से टॉर्चर करते हुए घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इनकी वालिदा का मजीद कहना है कि मुकम्मल तौर पर जहेज देने के बावजूद भी इनकी बेटी को मुसलसिल हरासा किया जा रहा है और आज तो हद ये हो गई कि लड़की के ससुराल वालों ने इनके अफराद ख़ानदान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन लोगों को शदीद चोटें आई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करने के बाद तमाम मुतासरीन को MLC के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया। लड़की की वालिदा ने हुकूमत तेलंगाना और पुलिस से मदद की अपील की कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील मुतासर लोगों की जुबानी। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफर की ये खसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना। मेरा नाम यास्मीन सुल्ताना है। शादी 3 महीने हुआ, 3 महीने से शादी हो को 3 महीने हुआ, बच्ची को टॉर्चर दे रहे, मार रहे, मिलने नहीं दे रहे। वलीमी के दिन से चाकवा निकाल को हमको जाना से मार रहे, मेरे को धमकी दे दे रहे लोग। बच्चे को आए मई घर को गए ना मिलने दे रहे ना कुछ दे रहे, तेरी अम्मा वो नहीं दी, तेरी अम्मा ये नहीं दी, मेरे को बच्ची को टॉर्चर दे रहा, मिलने दे रहे ना, बच्ची को भेज रहे घर को। ऐसे कर रहे मेरे को बीच में आए तो बीच में भी ऐसी मारम मारी कर रहे थे। एक दिन गया से घर को भेजे बोले तो नहीं भेजते बोले तो। 3 महीने से बच्ची जैसे दुल्हन मनाने को ऐसा मेरी बच्ची को एक घंटे के वास्ते घर को नहीं ले पा रहे। उसके बाद क्या करें फिर, नहीं आप फोन करे तो ना, ईद के जब से बात भी नहीं करा, 1 महीने से उन्होंने फोन पे बात करा, बोलते नहीं हम बाहर हैं घूमने, बोले आज क्या हुआ, आज बोले तो आज बुलाने आओ बोल को मैं आई थी, पर्सन भी आई तो नहीं बोले उन्होंने। घर में बच्ची को लाभ डाल दे रहे, कुफला डाल रहे, हम घूमने गए बोल रहे, यहाँ माँ को फोन आ करते क्या हो रहे, नहीं नहीं हम घूमने गए कल आओ बोले। क्या वो टॉर्चर जायज नहीं दिए, वो नहीं दिए, ऐसा बोले, सोना नहीं दिया, चांदी नहीं, सब सब हर बात से करके दिए। गरीबी जिंदगी में सामने लगा शाहीन नगर बारकेस कहेंगे तो ऐसे अशोक कुमार ने नहीं डरे, तुम्हारे से जाना लेने के आदर कहीं बोल रहे हो। आप बोले तो जाते घर में, हम मई मेरे शोहर गए थे, कल हमारे शोहर आ गए तो घर में बच्ची को पर्सन भी लॉक डाल दिए, फोन आकर को आते बच्ची को लॉक डाल दे रहे, हम घूमने गए बोल रहे घर को आते थे। फिर घर को गए के बाद क्या करे, नहीं हम घूमने गए, अब हम नहीं है ना, आप क्या करते हैं बोल रहे, हम जिले से आना, मई तपते बुधरे नगर से आना, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, मई हेप कॉलोनी से वहां से आना, मैं शाहीन नगर को आको बात करको बोली ना, नहीं लॉक डाल, हम घूमने गए, चले गए हम घूमने, आप पैसा आंटी फोन आना तो फोन करको आना हमारे घर को, तुम बगर बोले के साथ। अब चलो मैं आ गई, मेरी तबीयत अच्छी, बच्ची से मैं तो मिलूंगी बोलते, बच्ची को अंदर डाल को लॉक डाल को चले जा रही। फिर हमारे शहर को भेजी मैं एक दिन, तुम चले जाओ ध्यान दे, मिलने को आते हैं बोले के बाद हमारे शहर को भी गए तो नहीं फोन करे तो, हाँ पप्पा आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बोली थी उनकी, हमारे दामद बात करे तो मैं आ रही हूँ, इनके पप्पा आ रहे हैं देखो, और बच्ची से बात कर लेते हैं, बोलते नहीं नहीं हम लोग घूमने चले गए ना, नहीं ना कहो बोलो ना कहो बोले, तो फिर भी उन्होंने जबरदस्ती को हमारे शहर चले गए। अब मेरे को ऐसा बोले, अब आदमी है ना आदमी के तरीके से, आज क्या हुआ, अब आज घर में जाते क्या करें, हम बच्ची को बुलाने गाँव को भी जा रहे हैं, बच्ची को नहीं भेजना चाह, 3-4 महीने से हम गाँव को, हमारे सास की तबियत खराब है, देख दो लेको जाओ बोल को बोले थे बोल को, बोलते नहीं 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 वैसे क्या आज ये सो, तुम क्या तरीके करे, नहीं लेको जाना, पीए से बोल दिया ना तुम्हारे हिस्से को मर गई समझना, वो समझना, बोलते मैं बोले ऐसा कहीं को बोल रहे हैं ऐसा भी बोलते, कैसा मैं 1-2-3 दिन में लाके छोटी, नहीं बोलते नहीं लेके जाती ऐसी कोई बात नहीं है बोले तो, उनके नानी को बुला लिए, पूरे भाइयों को बुला लिए, बहनों को बुला लिए, बेटों को बुला लिए, हमारे शोहर बोल रहे, उनके शोहर को बोले तो क्या कर लेते कौन बोले कवाल क्या करते, वो कोई मेरे को गालियां दे रहे, हमारे शोहर को गालियां दे रहे, ये बच्ची को मार दे रही, बहन की लड़ी तुझे को रफा रफ मार दिए, मेरे को मार दिए हाथ मारे, हाथों से सीट पर कंफर्टेबल, मेरे को मारे और बच्ची को मारे, बच्ची को सास नानी लगा मेरे को सब जनी बाला पकड़ को खींच रहे, अपने हाथ में कुछ नानी है उनकी, एक बहन है उनके, फिर 3-4 मामुआ थे अंदर,
उन्होंने तो इनके ऊपर आंग हाथ उठा दिया हमारे शहर के ऊपर, तो मैं समझाने को निकल जा रही थी। मैं निकल जा रही भी तो नहीं, बच्ची को बोली मैं जाने बेटे उनको भी लकड़ों से भी आप दूसरे बच्चे आए तो हाथ हमते, मैं ये बच्चों के ऊपर नहीं थी। मेरे को लात पर मारे, मेरे को कान पर भी मारे, दो हाथ की गर्दन पर मारे के बाद मैं बच्ची को हटा लिया। पीए साहब आपके इंसाफ होना, देखो साहब आजकल का दौर बच्चों को लेकर जा रहे मारे, दाम दहेज मांग रहे, बच्चों को नहीं दिए, बोलते मैं हर चीज से आप देख ले सकते हैं। अब किसको किसको मारा पड़े, कितने लोग हैं? अब इसमें पांच मई तो शायद तीन जनी है यहाँ, ये बच्ची को मारे, हमारे शहर को ढक लिए, मेरे को पेट में लाता मारे, फसले से हमारे दामद, हमारे समन उनके दो भाना, फिर अब ये 9-10 बजे के बीच में हुआ। देखो और जख्मी कौन है, किसको क्या हुआ? फिर इनको कान पर मारे, मैं वही गिर गई, बहन के लड़े बोलो गालियां दे, इनके मामा बोल रहे मार मार उसे, क्या करते हैं वैसे, अकबर को छोड़ दिए नहीं, इन लोगों की क्या मिसाल में जिंदा जाते हैं, क्या बोल दे रहे हैं, बोल रहे हैं। उनके मामा मिलको, उनके भाइया, बच्चे के भाइया, अम्मा नानी, वो लोग कम्प्लेट कराने गए थे, मेरे को डर भूत हरा था सर, मेरे को जरा एडमिशन नहीं मिलकर यहाँ पे लेके किसको ले गए, क्या हुआ? अब सर चार पाँच जनी है यहाँ, वो अब सर मई एक शब्बीर है, फिर शेख ताज है, नेहा बेगम, मसरत बेगम, बच्ची को पूछो नामा लोगों का। शाहीन नगर में है, शाहीन नामकुम, मेरा नाम शेख शब्बीर है, मैं जो बच्ची का हूँ सो मामू हूँ छोटा, जो मैं आज हमारे बड़े बहन और भवने साहब घर को गए थे, थोड़ा गांव को जाने के लिए बच्ची को बुलाने गए थे, तो बच्ची को बुलाने गए तो उनको घर पे बुला के नहीं है बोल के बात करे, गाली गुलौज करे, घर में बच्ची को रख ले के भी नहीं है बोल के गाली गुलौज करे, बच्ची आवाज दी, जब जाके लोग बात करे तो बच्ची को भी मार रहे हो लोग, और उनके मामुआ जो भी नानिया जो मामुआ पूरे जितने भी थे, बच्चा भी जो है अम्मा बाबा की सुन के खाली बच्ची के ऊपर टॉर्चर कर रहा, आज चल चला गया, आज मेरी बहन को तक आज उन्हें हाथ लात उठा के पेट पे मार दिया, वो ऑलरेडी तीन चार दिन से हॉस्पिटल में नामपली में एडमिट थे, आज ही डिस्चार्ज हो गए, आज गए जाके बुलाने गए, उनके सास की तबीयत खराब है, जाके देखते आएंगे मिलके, उनको जरा पेट में कुछ उनका आयरन कम है बोल के एडमिट करे, तो उनको सर्टिफिकेट आ गया पूरे, उनके सास की जरा सीरियस तबीयत है बोलने से उनको लेके जाने आए थे बच्ची को, बच्ची को मिलते बोले तो ये आज को मिला के दूसरी बार हो गया, ये उससे पहले भी जो मारे थे, उससे पहले हम लोग कंप्लेंट करे थे टप्पा चपतरा पीएस ने कंप्लेंट करे थे, कंप्लेंट करा के उनको समझा बिठा के बात करके इनके बड़े लोगों का साइन लेके भेजा, अब वो बड़े लोग भी बोल रहे थे साफ हम आते नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं है हम, इनका हम आते भी नहीं, हम बोलते भी नहीं, अब इसके बाद आप जो भी है संभाल लो बोल के बोले, आज गए हम लोग हमारे बहन वो लोग गए उन लोग के पीछे, उन्होंने फोन करे ऐसा ऐसा हमला करे बोले, तो हम लोग पूरे तीनों माया और हमारे हम बालदा वाली साहब मिलके गए उनके घर पे बात करेंगे बोल के, तो लोग घर बंद करके कहीं भाग गए, भाग के जो हम लोग जा रहे घर कन ठहरे, पूरे गली में चारों तरफ से घेरा डाल के लेटा, जो भी हथियार मिला उन लोग को तीन चार आटवा तीन चार कारा भर के आगे पूरे पुट्टे हम लोग के ऊपर हमला करे, आज टोटल कम से कम 50 से 60 जने थे वो लोग, हम लोग थे 6-7 जने थे, हम लोग लेडीज को मिला के 8 जने थे, बात करने के लिए घर पे गए तो वो लोग गाली गलोज करके जो हमारे को मारे, ये देखिए मेरे को यहाँ मारे, मेरे बड़े भाई का सर फोड़ दिए, वालदा को पैर में ढिकल के पैर कुनल दिए उनका, और एक जो बड़े भाई है मेरे उनको भी मार के सिर फोड़ दिए, अभी फिर लोगों को उस्मानिया में ट्रीटमेंट करा रहे हम लोग, वहाँ पे पीएस को गए थे बालापुर, पीएस ने बालापुर में लिख के दिए उस्मानिया में ट्रीटमेंट कराइए, ट्रीटमेंट करा के एक बार हम उनके ऊपर एक्शन लेते, हम इतना ही चाह रहे के बालापुर पीएस से, हम इतना ही चाह रहे के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, ये क्या है जो शादी हो गई से जो चल रहे लफड़े, बात करे की दहेज नहीं दिए तेरे मामू ऐसा करे, हर चीज में बच्ची को टॉर्चर कर दे रहे साहब, अब हमारे को एक ही गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब से भी एक ही गुजारिश करते हम, और एसएस साहब से भी एक ही गुजारिश करते, ये लोग बहुत गलीज लोग है साहब, हम लोग इंक्वायरी करके दिए फिर भी मगर ये लोग इतने गलीज है, यहाँ तक आज ये बात तक बोल दिए कि वो लोग हम अकबर को तक मार दिए, हमारे को उनसे हमारे गुजारिश है जो अकबर साहब का ही बोल रहे हैं हमारे ऊपर भी हमला करे वो लोग आके, वो लोग जो हथियार जो लेके आके एक्शन करे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे, और हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, साफ करके बच्ची को नहीं रखते तो को मार देते तो क्या भी खिला के मार दे, हर चीज में बच्ची को टॉर्चर कर दे रहे, बच्ची हमारे को खुल के बोल नहीं सक रही, ना माँ बाप को बोल सक रही, ना मामाओं को बोल सक रही, अगर किसी को भी बोलने जाएंगे